अलसाया जीवन मोह त्याग, अब जाग जाग अब जाग जाग, यह समय नहीं है सोने का, सोते सोते सब खोने का। अब तोड़ तोड़ अवसाद सकल, मन में भरकर उत्साह नवल। अब तोड़ गहन तन की कारा, सारी दुर्बलता त्याग त्याग, अब जाग जाग अब जाग जाग अब जाग जाग। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विवेक वर्मा आपका यूपी कानपुर से हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर मैं अपनी फैमिली के बारे में बात करूं तो मेरे पिताजी पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर थे और मेरी माताजी एक हाउसवाइफ। मैं बेसिकली तो कानपुर से हूं, लेकिन मेरे फादर चूँकि पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर थे तो मैं यूपी के बहुत सारे ज़िले जैसे कि उन्नाव, सीतापुर, मुरादाबाद, फतेहगढ़, फरुखाबाद, कन्नौज, झांसी, इन सब जगह में रह के मैंने अपनी स्कूलिंग पूरी की। लेकिन 12 के बाद मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गया और वहाँ पे मेरा छोटा भाई जो है, जो इस समय एडवोकेट भी है, अरविंद वर्मा, वो कानपुर में वकालत करता है। मेरा एक और छोटा भाई जो है वो कोल इंडिया धनबाद में मैनेजर के पद पर है। अभी तीन साल पहले मेरी मैरिज हुई थी। मेरी वाइफ नेहा वर्मा हाउस वाइफ है। मेरा एक छोटा प्यारा सा बेटा है अर्णव वर्मा, जो भी जस्ट इस साल से स्कूल जाना शुरू किया है। तो ये रहा मेरा एक पर्सनल इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको अपनी एजुकेशनल जर्नी के बारे में बताता हूँ कि मैंने अपनी एजुकेशन कैसे और कहाँ से शुरू की और कैसे मुझे यूपीएससी के बारे में जो है पता चला और मैंने कैसे तैयारी शुरू की। अगर मैं अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करूँगा तो चूँकि मैं पहले बता चुका हूँ कि मेरे फादर एक गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उनके फादर के गवर्नमेंट जॉब में रहने की वजह से मैंने अपनी एजुकेशन कई ज़िलों में की। प्लस टू मैंने उन्नाव ज़िले से किया और उसके बाद उन्नाव ज़िले के बाद मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मैं आईएएस की तैयारी करने के लिए गया। क्योंकि मेरे फादर इसमें थे और उसके बाद मुझे भी लगा कि मैं आईएएस की तैयारी करूं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि इलाहाबाद में मुझे एएनजा हॉस्टल, जिसको मेयर हॉस्टल भी कहते हैं, और इसका जो एक नाम है वो आईएएस की फैक्ट्री, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि आईएएस की फैक्ट्री, तो अपने आप में वो इतना ज़्यादा मोटिवेट करता था कि जिस समय मैं वहाँ रहता था तो उस मुझे आईएएस के अलावा और कोई नौकरी समझ में नहीं आती थी। लगता था आईएएस ही एक ऐसी नौकरी है जो नौकरी है, बाकी कोई नौकरी नहीं है। उस बीच मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद आईएएस की तैयारी करने के लिए मैं दिल्ली गया। जैसे मैंने बताया, दिल्ली में मैं रजनीश राज सर से इतिहास की मैंने कोचिंग ली। जनरल स्टडीज़ मैंने आर कुमार सर के पास कोचिंग किया। कोचिंग करने के दौरान मेरे दो मित्र प्रभाकर चौधरी और शशिकांत त्रिपाठी, जो मेरे रूममेट भी थे, मुझे बहुत सारी मदद भी उनसे मिली। इसके दौरान मैं आईएएस की तैयारी करते करते मैंने वहाँ, मुझे पता नहीं चला कि मैंने वहाँ से बीएड किया। फिर उसके बाद मैंने बीएड में मेरी नाइन्थ रैंक थी, मैंने एमएड किया। एमएड करने के बाद में फिर उसके बाद मैंने मेरा टीजीटी में भी चयन हुआ। लेकिन मेरा ये सोचना था कि टीजीटी की नौकरी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ, क्योंकि उस बार मैं आईएएस का मेंस दे रहा था और उसी बीच मेरा जेआरएफ भी हो गया। तो मुझे लगा कि टीजीटी में रह करके मैं आईएएस तैयारी नहीं कर पाऊँगा। मैंने जेआरएफ लखनऊ में ज्वाइन कर लिया और उसके बाद जेआरएफ में मेरे जो गुरुजी हैं, आदरणीय डॉक्टर यशवंत विरोदे जी, उनके अंडर में मैंने पीएचडी किया और पीएचडी सबमिट कर दिया। तो मुझे लगा, मैंने जब आईएएस तैयारी करना शुरू किया था, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं कभी बीएड एमएड करके और उसके बाद पीएचडी करके मैं यूनिवर्सिटी में कभी पढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ करूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने हमेशा ये सोचा कि मुझे आईएएस का एग्ज़ाम देना है, आईएएस बनना है। तो मैं ये देखना, मैं ये बताना चाहूँगा कि इस प्रक्रिया में रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन प्रक्रिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट रहता है कि आप उस प्रोसेस को कितना अच्छे से किए हैं। और यकीन मानिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस परीक्षा में अगर आप मन से तैयारी किए हैं तो एक ना एक दिन आपको हमेशा ये गर्व होगा। जब आप कहीं खड़े होंगे, आपके लोग बात सुनेंगे, आपको हमेशा ऐसा महसूस होगा कि मैंने कुछ पढ़ा, मैं अपने देश के बारे में, दुनिया के बारे में जान सका। आपको लोग हमेशा गंभीरता से लेंगे। तो ये एक मैंने इस अपनी एजुकेशनल के बारे में बताना चाहा आप लोगों को कि आप लोग मन से आईएएस की तैयारी जरूर करिए, लेकिन आप आईएएस की तैयारी करने में जो प्रक्रिया है, जो उसमें आप ईमानदारी बरतिए। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, लेकिन प्रक्रिया आपके हाथ में है। अगर मैं अपने यूपीएससी जर्नी की बात करूँ तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करने के लिए गया 12th के बाद और मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। वहाँ जाने के बाद मुझे एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिला कि जो यूपीएससी से इधर कुछ सोचने नहीं देता था। और मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट वहाँ पे दिया जिसमें मैं फ़ेल कर गया।
तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, मैं पीटी फेल कर गया। उसके बाद मैं दिल्ली में कोचिंग करने गया, वहाँ मैंने 2 साल कोचिंग किया। वहाँ पे मेरे गुरु श्री रजनीश राज जी के गाइडेंस मिला। वो एक मुझे लाइफ में बहुत चेंजिंग का मोड़ था। वहाँ पे मैंने जो पीटी फेल किया, उन चीज़ों को मैंने एक नोट डाउन किया, क्यों फेल किया, कहाँ पे गड़बड़ हो रही थी, एग्जामिनेशन में कौन से क्वेश्चन मैं नहीं कर पा रहा था। अक्सर होता क्या है कि आप लोग हम लोग कंफर्ट जोन की पढ़ाई करते हैं। कंफर्ट जोन की पढ़ाई मतलब कि अगर हम हिस्ट्री बहुत अच्छा लगता है तो हम हिस्ट्री बहुत पढ़ते हैं, ज्योग्राफी अच्छा लगता है तो ज्योग्राफी बहुत पढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी UPSC ऐसा करता है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी को एकदम गायब कर देता है। फिर मैंने अटैम्प्ट दिया, मैंने पीटी पास किया, मेंस लिखा, फिर मैं, लेकिन मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं मेंस फेल कर गया। उसके बाद भी मैंने मेंस दिया, मैं मेंस नहीं क्वालिफाई। यहाँ मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगा कि आपको स्टेट कमीशन के एग्ज़ाम भी बहुत सीरियसली देना चाहिए। मैंने स्टेट कमीशन के एग्ज़ाम दिया, मेरा स्टेट UP है, मैंने UP का एग्ज़ाम दिया, मैं प्री पास किया, कई बार वहाँ मेंस पास किया, इंटरव्यू तक पहुँचा। इवन यहाँ तक कि 1 या 2 बार मेरा 1 या 3 नंबर से फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ, तो भाई प्रयासरत हूँ और उसके लिए मैं अभी आगे भी प्रयास कर रहा हूँ, एग्ज़ाम दे रहा हूँ, 22 का भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो इसका बेनिफिट ये रहता है कि अगर आपका स्टेट कमीशन का एग्ज़ाम UPSC के पहले मिलता है तो लगभग UPSC और स्टेट कमीशन का सिलेबस सेम रहता है, तो आपका स्टेट कमीशन का एग्ज़ाम एक रिहर्सल हो जाता है अच्छा सा कि आप कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं। और अगर आपका एग्ज़ाम UPSC के बाद होता है तो आपको UPSC के एग्ज़ाम का जो लेवल है उसके हिसाब से जब आप कमीशन का एग्ज़ाम देने, स्टेट कमीशन देने आएंगे तो आपको काफ़ी ईजी लगेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक UP स्टेट कमीशन का एग्ज़ाम भी एक प्रतिष्ठित नौकरी मानी जाती है और आपकी एक आसान रीच में रहती है। तो मैं अपने सभी दोस्तों से जरूर कहना चाहूँगा कि अपने स्टेट कमीशन के एग्ज़ाम को भी UPSC के छोटे भाई की तरह ट्रीट करें और उसको एकदम सीरियसली एग्ज़ाम की तैयारी करें, है ना। ये मेरा एक आप लोगों को सुझाव है, इस पर आप लोग अमल करेंगे तो आपको जरूर फ़ायदा मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि स्ट्रेटजी पर, कि कैसे स्ट्रेटजी बनाई जाए और इस एग्ज़ाम को कैसे फॉलो किया जाए। तो मेरा मानना यह है कि किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए आप उस एग्ज़ाम के चरणों में पीछे से शुरुआत करिए। जैसे कि जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं उसमें लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे आए हुए हैं, सबसे पहले आप अनसॉल्व पेपर खरीदिए और उस क्वेश्चन को देखिए, उसका ऑपरेशन करिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और मैं कैसे कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आप NCERT की बुक्स लीजिए, NCERT की बुक्स मानक बुक हैं, उनको पढ़ना ही पढ़ना, उनको पढ़िए। और ज़्यादा से ज़्यादा NCERT पढ़ने के बाद में आप एक कोशिश और करिए कि आप जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकॉनमी है, जो ट्रेडिशनल वाला पोर्शन है, इसमें 1 या 2 मानक किताबें कम से कम 20 बार पढ़िए। ये नहीं कि 20 किताबें किसी से पूछिए तो बोलेंगे लोग कि मैंने ये किताब पढ़ी है, मेरी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं जितनी किताब पढ़ चुका हूँ, तो लोग ऐसा नहीं है। आप 20 किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 20 बार पढ़िए। जैसे हिस्ट्री में पढ़ना है तो आपको BL ग्रोवर, सुमित सरकार, विपिन चंद्रा। पॉलिटी में पढ़ना है आपको तो सुभाष कश्यप साहब का, ब्रजकिशोर शर्मा साहब का, ये किताब अच्छा पढ़िए। या आपको जैसे ज्योग्राफी पढ़ना है तो ज्योग्राफी के लिए मैप अच्छे से पढ़िए और ज्योग्राफी की 1-2 NCERT से काम चल जाएगा। और 1-2 जैसे मान ली बर्णवाल की बुक मैं पढ़ता हूँ, अच्छी किताब है। अब बात होती है मैं कितना पढ़ता हूँ, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं तो 4 बजे मैं उठता हूँ और मैं पढ़े पॉलिटी में कुछ आर्टिकल उनको पढ़ता हूँ रेगुलर 10 से 15-20 मिनट में, और मैप का सेक्शन पढ़ता हूँ। मैप सेक्शन जो 7 कंटिनेंट है और इंडिया का, उनको अच्छे से करता हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन मैप के आए वो गलत ना हो, वो आसान क्वेश्चन है और हमेशा आप तब बाहर होते हैं जब आपके आसान क्वेश्चन गलत होते हैं। फिर उसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद में आप जो है करंट अफेयर्स का न्यूज़पेपर पढ़िए, करंट अफेयर का मैगजीन लाइए, उसको पढ़िए सुबह के टाइम में। फिर चूँकि मैं वर्किंग हूँ, जॉब में हूँ, तो मुझे जाना पड़ता है। फिर शाम को मैं आता हूँ दोपहर में 2 बजे, उसके बाद मैं लंच करता हूँ, सोता हूँ 3-4 बजे। 4 बजे के बाद में मैं फिर पढ़ने की कोशिश करता हूँ और 7-8 बजे तक पढ़ता हूँ। 8 बजे के बाद मैं थोड़ा सा ब्रेक करता हूँ, फैमिली को टाइम देता हूँ, बच्चों को टाइम देता हूँ। उसके बाद 9 बजे के बाद खाना खा के फिर 1-2 घंटे पढ़ने की कोशिश करता हूँ। और मेरी एक कोशिश ये है कि जब आप पढ़िए, आपने जो भी पढ़ा, जब आप सोने जाइए तो उसमें 1/2 घंटे सोचिए कि आज मैंने ये पढ़ा, मैंने ये सीखा। उस सोच आपने अगर 100% पढ़ा है तो मेरा मानना है कि आप उसमें सोच पाते हैं 60%। और उसके बाद अगर आपके पास टाइम रहता है तो आप उसको लिखने की कोशिश करिए। अगर आप लेट नाइट पढ़ते हैं 12-1-2 बजे तक, जैसा कि मैं पहले पढ़ा करता था जब जॉब में नहीं था, तो आप कोशिश करिए कि उसको लिखने की कोशिश, जो आप लिखेंगे वो आपका अपना हो जाएगा और लिखने के बाद आप चीज़ें भूलते नहीं हैं। तो इसको आप जब अपनी हैबिट में लाएंगे, इसके आपको 2 फायदे होंगे। एक तो आपका PT का चीज़ें तैयारी होती रहती हैं लिखने से, एक आपके मेंस की हैबिट पड़ जाती है, क्योंकि एटलीस्ट आपका सिलेक्शन मेंस से होना है। और जब आप प्लेन्स पास कर लेते हैं तो बहुत लोग समस्याएं होती है प्लेन्स पास करने के बाद में कि आप कैसे मेंस करें 3 महीने में, बहुत लोग सब्जेक्ट नहीं डिसाइड किए होते हैं। तो जब आप लिखते रहते हैं तो आपकी कलम चलती रहती है और वो आपको तब बेनिफिशियल होता है आपके लिए जब आप मेंस लिखने जाते हैं, तो आपको लगेगा कि वहाँ पे सोचने का समय नहीं होता है, आपको थॉट्स नए नए आते हैं, आप लिखना शुरू कर देते हैं, आपको जोड़ना पड़ता है यहाँ के थॉट यहाँ से
कंपेयर करना पड़ता है, तो वो जब मेंस लिखने की आपकी हैबिट रहेगी तभी आप ऐसा कर पाएंगे, तो उसका बेनिफिट आपको मेंस में मिलता है और मेंस से ही सिलेक्शन होता है। तो ये थोड़ी स्ट्रेटजी है जो लोग नहीं फॉलो करते हैं, जो नहीं अपनाते हैं। आप पहले अनसॉल्व पेपर लाइए, उसको पढ़िए, अनसॉल्व पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करिए, देखिए जो आपने पढ़ा है उसको सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है। आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपकी स्ट्रेटजी गड़बड़ है, आप कुछ गलत पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते जा रहे हैं आपको यही नहीं पता पढ़ते क्या जा रहा है। तो अनसॉल्व पेपर बहुत जरूरी है, आप पीछे तैयारी करिए। और मैंने फिर बोलता हूँ कि आपको 50-60% ही चीज़ें पढ़नी है, 40% नहीं पढ़नी है। जो आपको नहीं पढ़ना उसको बिल्कुल मत पढ़िए, लेकिन जो पढ़िए उसको ऐसे पढ़िए कि आप उसको 100% कर पाएँ। एक और बात मैं आखिरी में बताना चाहूँगा, वो ये कि हमेशा एग्जामिनेशन आप जब देने जाएँ प्रीलिम्स का, तो कभी कभी आपको बुकलेट मिलता है तो आप बुकलेट में पहला क्वेश्चन निकालते हैं वो आपको मिल गया ज्योग्राफी से, अब आपने ज्योग्राफी बिल्कुल नहीं पढ़ा, या आपको मिल गया मैथ्स से, आपने मैथ्स भी आपका, या आपको मिल गया किसी ऐसे सेक्शन साइंस से, आप साइंस स्ट्रीम के नहीं हैं, आपने पहला क्वेश्चन देखा साइंस का नहीं आ रहा, दूसरा देखा नहीं आ रहा, तीसरा नहीं आ रहा, आप बुकलेट को बंद कर दीजिए। आपको जो पोर्शन सबसे अच्छा आता है, ज्योग्राफी आपका आता है, आपको हिस्ट्री अच्छा आता है, आपको पॉलिटी, आप पूरे बुकलेट पॉलिटी खोजिए, आप देखेंगे, आप हिस्ट्री खोजिए, आप देखेंगे हिस्ट्री क्वेश्चन अगर 20 क्वेश्चन आए हुए हैं तो आपको अच्छे से आता है तो तुरंत आप टिक मारेंगे, और जैसे टिक मारेंगे तो 20 में 15-16 क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। तो आपको एक मोटिवेशन ये मिलेगा कि मैंने केवल 10 से 15 मिनट में 15 क्वेश्चन कर लिए, इट मींस मुझे अब केवल 35 ही क्वेश्चन करने हैं, फिर आप देखिए आपको दूसरा सेक्शन कौन सा है। ऐसे जब आप जो सेक्शन सबसे अच्छे आते हैं तो आप देखेंगे आधे से एक घंटे 45 मिनट में आप 50-60 क्वेश्चन कर ले जाएंगे, लेकिन आपको जो क्वेश्चन नहीं आता आप उनको करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने आधा घंटे में 2 ही क्वेश्चन कर पाए, 3 क्वेश्चन का है, आप फ्रस्ट्रेट होंगे, आप एक दो बार बाहर जाएंगे पानी पिएंगे, फ्रेश होंगे, आपका दिमाग एकदम डिस्टर्ब हो जाएगा, मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ, वहाँ से चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती है। वो जब बिगड़ेंगे तो जो आपके आते हुए क्वेश्चन है वो भी आपके गड़बड़ हो जाएंगे और उससे फिर आप फाइट से बाहर हो जाएंगे। तो हमेशा जो पीटी लोग फेल करते हैं वो इसीलिए फेल करते हैं कि उनके आते हुए क्वेश्चन गड़बड़ होते हैं, और जो आसान क्वेश्चन होते हैं वो अगर आपके सही हो तो आप हमेशा फाइट में, क्योंकि जो कठिन क्वेश्चन है वो सबके लिए कठिन है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मेरे कुछ सजेशंस हैं, कुछ मेरे अपने विचार हैं जो मैंने एग्जामिनेशन की तैयारी में फॉलो किए हैं, इनको आप फॉलो करेंगे, कुछ टिप्स हैं, कुछ माना किताबें हैं उनको आप जरूर पढ़िए अपने गाइड से, अपने टीचर से पूछ करके, और जो मैंने बताया है उनको आप फॉलो करेंगे, निश्चित रूप से आप सभी को सफलताएँ मिलेंगी। तो ये एक UPSC की जर्नी थी, और इस जर्नी के दौरान जो अहम पार्ट मैंने महसूस किया वो ये कि आपको इस तैयारी के दौरान क्या नहीं पढ़ना है, मतलब कि आप प्री का एग्ज़ाम देंगे और मेंस का एग्ज़ाम देंगे, दोनों के एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि 50-55% अगर आप मार्क्स ले आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। इट मींस कि आपको आधे से ज़्यादा या थोड़ा उससे कम आपको जो सिलेबस है उसमें ये डिसाइड करना है कि ये चीज़ें हमें नहीं पढ़ना है और जो पढ़ना है वो अच्छे से पढ़ना है। मैंने अपनी तैयारी के दौरान मैं बहुत भाग्यशाली रहा या बहुत खुश नसीब रहा कि मेरे दो आदरणीय सर, एक मैं नाम लेना चाहूँगा उनका, एक आदरणीय रजनीश राज सर सिहांता IAS दिल्ली डायरेक्टर और एक आस्था IAS आर कुमार सर, इन दोनों की बहुत महती भूमिका रही मुझे गाइड करने में, मुझे एग्ज़ाम को लेके कैसे पढ़ना है, कैसे उसके बारे में सोचना है, कैसे लिखना है। और मेरे एक एग्ज़ाम के बारे में एक और पहलू ये है कि आपकी एक संगति और आपका एक ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो आपको इसके बारे में गंभीरता आपको दिखे, आपको उसमें आप डिस्कस करें, आप उसमें एक दूसरे को लिख कर दिखाएं। मेरे दो बहुत अच्छे मित्र शशिकांत त्रिपाठी और प्रभाकर चौधरी, जो मेरे काफ़ी पुराने और काफ़ी प्रिय मित्र भी हैं, इन लोगों के ने से हमने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी डिस्कस किया, मेरी बहुत सारी मदद भी करते थे मेरे फ्रेंड्स। मुझे अभी भी याद है कि मेरे एक फ्रेंड ने प्रभाकर चौधरी, वो मेरे सारे UPSC के एग्ज़ाम के फॉर्म भरते थे। तो इतनी अभिनेता होनी चाहिए कि आपसे कोई कुछ छिपाए नहीं। ऐसा अक्सर देखा गया है कि आपके फ्रेंड तो हैं लेकिन वो आपसे पूरी तरह से आपसे फ्रेंड नहीं है। दूसरी बात, मेरे अक्सर कहा करते थे कि सूरज की रोशनी के नीचे जो कुछ है, यानी जो आप नहीं जानते हैं, वो सारा GS है। तो आपको सब कुछ तो नहीं जानना है ना, आपको उतना जानना है जितना आपका काम का हो, आप उतना पढ़िए जितना आप UPSC को पास कर जाएँ। यानी जिस दिन आप UPSC का एग्ज़ाम पास कर जाएंगे उस दिन आपसे ये नहीं कोई पूछेगा आपने ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, है ना। तो इस चीज़ को आप दिमाग में मोटिवेट करिए कि मुझे क्या नहीं पढ़ना और जो पढ़ना अच्छे से पढ़ना है। गाइज, ये रही मेरी UPSC की जर्नी की एक स्टोरी, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इससे मोटिवेट होंगे और अपने गोल को अचीव करेंगे। आप सभी को आपके बेहतर फ्यूचर के लिए, आपके गोल के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।